नमस्कार दोस्तों, आईफल सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इक्विटी कमोडिटी करेंसी मार्केट के वीकली आउटलुक पर। हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट मार्केट के लेवल्स हो सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है। जैसा कि हमने पिछले वीक प्रेडिक्ट किया था, वैसे ही हमने देखा इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली, कमोडिटी मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली और रुपया भी यहाँ पर डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया। वैसे ही हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी मार्केट के अंदर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो लास्ट वीक डाउ जोन्स करीबन 2.14% की गिरावट के साथ 32,196 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं हमने निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट देखी। सेंसेक्स करीबन 3.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 52,793 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट 0.25% की गिरावट रही और निफ्टी करीबन 15,782 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। 16,000 का महत्वपूर्ण सपोर्ट निफ्टी ने ब्रेक करता हुआ देखा। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी मार्केट के अंदर गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी में सपोर्ट करीबन 15,300, रेजिस्टेंस 16,350 का रहेगा। हमें लगता है निफ्टी के अंदर भी सेल ऑन राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है और यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट के। कमोडिटी मार्केट में हमने देखा गोल्ड और सिल्वर के अंदर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। गोल्ड के भाव हमने देखा पहली बार साल में 50,000 के नीचे ब्रेक करते हुए दिखाई दिए और करीबन 49,873 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा गोल्ड के भाव $1,810 पर ट्रेड होते हुए देखे गए। गोल्ड के अंदर अगले हफ्ते के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 49,300, रेजिस्टेंस 50,300 का रहेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है और जिस तरीके से US के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में भावों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने रिसेंटली इन्फ्लेशन के डेटा आते हुए देखे जो कि थोड़े से पॉजिटिव नोट पर आते हुए दिखाई दिए और उसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में तेजी लौटते हुए देखी। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर भी हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी। सिल्वर के भाव करीबन 5% से ज़्यादा गिरावट के साथ 59,352 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ हमने 60,000 के नीचे का लेवल ब्रेक होते हुए देखा। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सिल्वर के भाव इंटरनेशनल मार्केट में भी $21 के आसपास ट्रेड होते हुए देखे गए। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 58,600 और रेजिस्टेंस 61,000 का रहेगा। हमें लगता है सिल्वर के अंदर भी अगले हफ्ते बिकवाली देखी जा सकती है और सिल्वर के भाव नीचे 58,600 से लेकर 58,000 तक के लेवल और इंटरनेशनल मार्केट में $20.20 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बात करें बेस मेटल की, तो यहाँ पर भी बिकवाली का माहौल ही देखने को मिला। बेस मेटल के अंदर हमने कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम के अंदर सभी के अंदर एक गिरावट का रुख आते हुए देखा। कॉपर के भाव करीबन 1% से ज़्यादा गिरावट के साथ 752.95 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कॉपर में यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 745 और रेजिस्टेंस 775 का रहेगा। हमें लगता है कॉपर के भाव अगले हफ्ते भी गिरावट के साथ ट्रेड हो सकते हैं और नीचे करीबन 745 से लेकर 740 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। LME के अंदर इन्वेंट्री बढ़ने और डिमांड कम होने की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिली। साथ में ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भी गिरावट की वजह से हमने बेस मेटल के प्राइसेस में गिरावट को रुकाते हुए देखा। जिंक के भाव की अगर बात करें तो जिंक के भाव अगेन इस हफ्ते भी 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 308.25 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जिंक में भी यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 300 रुपये का रहेगा, रेजिस्टेंस 315 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है जिंक के भावों में गिरावट देखी जा सकती है और जिंक के भाव 300 रुपये तक के लेवल और उसके नीचे तक भी भाव जाने की उम्मीद है। यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। एल्युमिनियम के अंदर भी हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी और एल्युमिनियम के भाव करीबन 0.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 236.35 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। एल्युमिनियम में महत्वपूर्ण सपोर्ट 230 का, रेजिस्टेंस 242 का देखने को मिल सकता है और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 230 से लेकर 228 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो जहाँ हमने पूरा कमोडिटी मार्केट में गिरावट देखी, वहीं हमने क्रूड में एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड होते हुए देखा। लास्ट वीक भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि क्रूड के भावों में तेजी रहेगी, वैसा ही ट्रेंड हमने क्रूड के भावों में आते हुए देखा। क्रूड के भाव 0.76% की तेजी के साथ 8,511 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर डिमांड अधिक होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया और सप्लाई में कमी होने की वजह से भी यहाँ पर हमने एक डिमांड बढ़ती हुई देखी। कहीं ना कहीं भावों के अंदर हमने तेजी का रुख देखा है। क्रूड की अगर बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 8,100 का रहेगा, रेजिस्टेंस 8,700 का देखने को मिल सकता है और यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अगले हफ्ते क्रूड के भाव 8,600 से लेकर 8,700 तक के लेवल को छू सकते हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस के भावों में हमने करीबन 4% से ज़्यादा की गिरावट देखी और भाव करीबन 592.60 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। नेचुरल गैस में यहाँ पर मौसम में तब्दीली होने की वजह से, US के अंदर डिमांड कम होने की वजह से नेचुरल गैस के भावों में गिरावट देखने को मिली। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते नेचुरल गैस के भावों में अगेन गिरावट देखी जा सकती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 560 और रेजिस्टेंस 630 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भावों में गिरावट रहेगी और भाव नीचे करीबन 560 से लेकर 550 के स्तर को छू सकते हैं। बात करते हैं करेंसी सेगमेंट की, तो जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि USD INR में हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखेंगे, तो वैसा ही यहाँ पर डेप्रिसिएशन होते हुए देखा और USD INR
करीबन 0.60% की तेजी के साथ 77.54 के स्तर पर देखा हुआ है, जो कि लाइफ टाइम एक लो लेवल है रुपी के लिए। हमें लगता है कि यहाँ पे रुपी अगेन डेप्रिशिएट हो सकता है। रुपी के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 76.90, रेजिस्टेंस 78.40 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर रुपी डेप्रिशिएट हो सकता है और 78 तक के लेवल रुपी में देखने को मिल सकते हैं। JPY/INR के अंदर भी हमने बढ़त बनते हुए देखी, जैसा कि हमने लास्ट वीक भी प्रेडिक्ट किया था। JPY/INR में हमने यहाँ पर 1.63% की तेजी बनते हुए देखी। एक्सपेक्टेड है JPY/INR में अगेन हम यहाँ पे तेजी देख सकते हैं और JPY/INR के भाव ऊपर में 61.50 तक के लेवल को छू सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 59.50, रेजिस्टेंस 61.50 का रहेगा और यहाँ पर हम एक बढ़त के साथ ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की। एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, जहाँ पिछले हफ्ते में गिरावट देखी थी वहीं लोअर लेवल से रिकवरी का ट्रेंड आते हुए देखा। ग्वार के भावों में करीबन 0.02% की तेजी के साथ भाव 6152 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जिस तरह से हम उत्तरी भारत में जो गर्म हवाएं चलती हुई देख रहे हैं, हमने देखा है यहाँ पर कहीं ना कहीं मौसम ख़राब होने की वजह से हमने देखा है कि यहाँ पर मानसून तो डिले देखने को मिल सकता है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर भावों में बढ़त बनते हुए देखी। एक्सपेक्टेड है मौसम में तब्दीली की वजह से, मानसून के कुछ डिले होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटी में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ग्वार के अंदर सपोर्ट 5900 का, रेजिस्टेंस 6300 का रहेगा और एक्सपेक्टेड है यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में 5800 तक के लेवल ग्वार में देखने को मिल सकते हैं। जीरा की अगर बात करें तो जीरा के भाव करीबन 3.75% की तेजी के साथ 21990 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जीरा के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 21000 का रहेगा, रेजिस्टेंस 22500 का रहेगा और यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में 22500 तक के लेवल जीरा में देखने को मिल सकते हैं। बात करें मेंथा ऑयल की, जहाँ पर हमने एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी और भाव करीबन 3.5% की तेजी के साथ 1124 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 1090 का रहेगा और रेजिस्टेंस 1200 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है मेंथा के भावों में अगेन हम तेजी देख सकते हैं और ऊपर में भाव करीबन 1200 रुपये तक के लेवल को छू सकते हैं। गर्म मौसम होने की वजह से क्रॉप खराब होती हुई दिख रही है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो हमें लगता है अगले हफ्ते एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए पॉजिटिव वीक हो सकता है और वहाँ पर खरीदारी के साथ ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये था दोस्तों एग्रीकल्चर, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट का वीकली आउटलुक। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। इसी के तरह आप IIFL से बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, ट्विटर चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ले सकते हैं जो कि आपको पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प कर सकती है। धन्यवाद।